अगर आप महीने का 10 से 15,000 रुपए कमाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखना। कैसे हो दोस्तों, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज के अपडेट में पेवर्ल्ड और भारत एटीएम के AEPS कमीशन प्लान का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। आज हम देखेंगे कि AEPS पे दोनों कंपनी में से सबसे ज्यादा कमीशन कौन देने वाला है। चलो इनके रिटेलर आईडी एंड सर्विसेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेवर्ल्ड आपको रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री में दे रहा है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपको पेवर्ल्ड की सर्विसेज एक्टिवेट करनी है तो सर्विसेज एक्टिवेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। और भारत एटीएम की बात करें तो भारत एटीएम पे रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, कोई चार्ज यहाँ पे आपको देना नहीं है। और यहाँ पे सर्विस एक्टिवेशन के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों, दोनों कंपनी का रिटेलर पोर्टल लेने की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक पे जाके आप अपना अपना रिटेलर आईडी वहां से फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। चलो आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो आज का मुद्दा है हमारा कमीशन, AEPS पे कौन कितना तगड़ा कमीशन देने वाला है। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि पेवर्ल्ड ज्यादा कमीशन देगा या फिर भारत एटीएम ज्यादा कमीशन देगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ पेवर्ल्ड के AEPS ट्रांजैक्शन स्लैब को भारत एटीएम के AEPS ट्रांजैक्शन स्लैब से। तो दोस्तों, आज के अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।